क्या बताएंगे। इन अभ्यासों को आप कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। सबसे पहले आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासना, और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे सीधे देखते हैं, किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाएं और सीधे देखें। कम से कम 2 मिनट तक, 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह एकाग्रता का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे पैर काफ़ी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को पैरों में कंपन की शिकायत रहती है या पैरों में झुनता या सुनसुनाहट की शिकायत रहती है, की समस्या दूर होती है। और फिर नीचे ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे, ऐसे अपने पैर को ऐसे थाइज के पास सटा लें और ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर। यह एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के लोगों ने करना चाहिए। ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए, फिर नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे जमीन पर ऐसे हल्का सा टच करा लेते हैं, और इसके बाद ऐसे अपने घुटने से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। यह अभ्यास हमारे घुटनों के लिए, हमारे पैरों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज करने के बाद फिर 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरी साइड से। फिर विपरीत दिशा में। दोस्तों, घुटने हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे संपूर्ण शरीर का भार हमारे घुटने, हमारे पैर उठाते हैं। अगर हमारे पैरों में या घुटनों में दर्द या सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। हमें उठने, बैठने, अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। इन अभ्यासों को करने से आप अपने घुटनों में दर्द सूजन की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें, और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को एक साथ ऐसे घुमाना है। ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज घुमाइए। फिर विपरीत दिशा में। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही बार फिर आपने उसके विपरीत क्रम में उसे करना है। फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट आसना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाना है। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं, और फिर इसके बाद ऐसे आपने उत्कट आसना की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखते हुए ऐसे सीधे देखें। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। इस अभ्यास को करने से हमारे घुटने, हमारे पैर 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। सीधे। ऐसे ही से 4 से 5 बार कीजिए। आज हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्थित हस्त पाद अंगुष्ठ आसन। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और अपनी हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें, या फिर अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे सीधे देखें, और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने राइट साइड ऐसे लाते हैं। ऐसे मूवमेंट के साथ इस अभ्यास को कीजिए। यह अभ्यास बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए विशेष रूप से
लाभकारी अभ्यास है। और ऐसे अपने पैर को जितना ऊपर आप उठा सकते हैं और ऐसे सीधे देखते हुए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें, यह एकाग्रता का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। और फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे, ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे सीधे देखें। ऐसे मूवमेंट के साथ कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे, ऐसे ही से दोनों साइड से कम 2-3 बार कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास की अगर एडवांस अभ्यास को अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाइए और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लें और ऐसे अपने बाजू को ऐसे अगर कान के पास सटा सकते हैं तो कान के पास सटाएं। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और ऐसे अपने पैर को जितना सीधा कर सकते हैं आप ऐसे सीधा करते हुए ऐसे सीधे और ऐसे ऊपर को जितना ऊपर आप ला सकते हैं। और फिर नीचे, ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी कीजिए।